बिलीव मी और नॉट, लेकिन मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आप लोगों को ये बोला हुआ है, अगर आपका बजट ऐसे 14-15 हज़ार तक की प्राइस का है ना, तो अच्छे 4G स्मार्टफोन की तरफ चले जाओ रेदर देन आप एक कॉम्प्रोमाइज 5G स्मार्टफोन परचेज करो। और आज की तारीख में तो आप देख ही रहे हो कितने सारे अच्छे 4G स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं 14-15 हज़ार की प्राइस में। रिसेंटली मोटो G52 लॉन्च हुआ था, और इसी के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था किस फ़ोन के साथ आप इसका कंपेरिजन चाहते हो। मैक्सिमम लोगों ने रेडमी नोट 11 को चूज़ किया। सेम प्राइस रेंज में आने वाले स्मार्टफोन है, तो देखना तो बनता है कि इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है, और आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस कंपैरिजन को। तो देखो, दोनों ही फोन में जो सबसे पहला डिफरेंस आपको पता लगने वाला है ना, वो है दोनों फोन की डिस्प्लेज में। दोनों फोन में पैनल काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया है, क्योंकि रेडमी में भी एमोलेड पैनल है, लेकिन मोटो के फोन में आपको पीओलेड डिस्प्ले यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसको आप बोल सकते हो कि प्रीमियम ग्रेड का डिस्प्ले है। जनरली ये पीओलेड पैनल ना आपको फ्लैगशिप टाइप के फोन्स, जैसे कि फोल्डेबल फोन्स हो गए, या फिर जो मोटो का ही S30 प्रो हो गया, उस तरह के डिवाइसेस में ये डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो यहां पर दिया हुआ है। और पीओलेड बेसिकली मतलब प्लास्टिक का ओलेड पैनल होता है, जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा ड्यूरेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली प्लास्टिक का बना हुआ है, तो और थोड़ा स्लिम और लाइट भी होता है। ऑल्दो जब आप डिस्प्ले को ऐसे साइड बाय साइड रख के कोई कंटेंट देखोगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है सच कंटेंट वगैरह में। लेकिन हाँ, आप डिस्प्ले को सामने से देखोगे ना, तो मतलब रेडमी में एज यूजुअल जिस प्राइस रेंज में मिलता है, जितनी चिन होनी चाहिए थी उतनी रेडमी में है, लेकिन मोटो ने काफी स्लिम बेजल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, एकदम पतला सा चिन है, जो कि ओवरऑल दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट चला जाता है पी ओलेड डिस्प्ले को। बाकी हाँ, पी ओलेड पैनल है, ड्यूरेबल है, वो समझ आता है, लेकिन स्क्रैचेस तो आ ही सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है मोटो में, और रेडमी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज किया है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है, वो मस्त मक्खन चलता है यहाँ पर, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली आपने देखा होगा जब डार्क में हम एमोलेड या ओलेड पैनल को यूज़ करते हैं, तो फ्लिकर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आइज़ पर स्ट्रेस आता है, तो फ्लिकर प्रिवेंशन का ऑप्शन दे रखा है मोटो में, और ऐसा कुछ भी मुझे रेडमी में अभी तक नहीं मिला है, तो ये चीज़ है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ मोटो के डिस्प्ले अच्छी है, ऐसे इन जनरल अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों के डिस्प्ले काफ़ी सही है। वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना थोड़ा भूल गई, वो है दोनों फ़ोन के स्पीकर्स को लेके। सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि दोनों ही फ़ोन में हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में। सेकंड, मोटो के स्पीकर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर है रेडमी के कंपैरिजन में, क्योंकि लाउडनेस तो देखो दोनों में सिमिलर है, लेकिन मोटो के जो स्पीकर्स है वो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो साउंड क्वालिटी ज़्यादा क्रिस्प है और थोड़ी ज़्यादा बेटर साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। खैर, अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा कि दोनों फ़ोन भले ही ऑन पेपर स्पेक्स के हिसाब से सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन डिफरेंस है दोनों फ़ोन में अच्छा खासा, और ये डिफरेंस आपको कैमराज में भी नज़र आएगा। है दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप, लेकिन दोनों फोन के सेल्फी कैमरा से जब मैंने फोटोज यहाँ पर कैप्चर करे ना, वहां पर मुझे एक नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिला है। पहली चीज तो मोटो के फोन से जो मैंने सेल्फीज कैप्चर करे, वहां पर डिटेल शार्पनेस मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिली है रेडमी के कंपेरिजन में। कई बार ये एक्सपोजर को बैलेंस नहीं कर पाता, पोर्ट्रेट में एक्सपोजर को बैलेंस ना कर पाए ये फिर भी चलता है इस प्राइस रेंज में, लेकिन नॉर्मल में भी नहीं कर पाता। और देखो एक चीज तो है, रेडमी के फोन में ना HDR को लेके काफी इश्यूज है, इसका ऑटो HDR प्रॉपरली काम ही नहीं करता है, और सेल्फी में तो और भी ज्यादा दिक्कत है। इसके बारे में मैंने अच्छे से बात करी है Redmi के डिटेल रिव्यू में, नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना, लेकिन वो इश्यूज ऑटो HDR वाले अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं इस Redmi के स्मार्टफोन में, इसको आए हुए टाइम हो गया है जब भी। तो सेल्फी कैमरा अगर आपकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है, मेरे अकॉर्डिंग मोटो से आप ज्यादा बेटर सेल्फीज कैप्चर कर पाओगे। रियर कैमरा से जब मैंने फोटोज कैप्चर करे, तो काइंड ऑफ मुझे सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, टू बी ऑनेस्ट। कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों का डिफरेंट है यहाँ पर, रेडमी थोड़ी पंची फोटोज शो कर देता है, कई बार मुझे कलर्स मतलब थोड़ा मेरी टी शर्ट को इसने पिंक टाइप का भी करा है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सिमिलर है। पीछे का डायनेमिक रेंज वगैरह आप देख सकते हो,
पोर्ट्रेट में एक्सपोजर मतलब हिट एंड मिस है दोनों के, कई बार बैलेंस कर लेते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं। आई मीन रेडमी में तो वो है ना मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका ऑटो एसडीआर मोड काम कर गया तो कर लेता है, नहीं तो नहीं कर पाता है, तो वो वाला सीन हो जाता है। वाइड एंगल वगैरह से भी अगर आप फोटोज लोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स की कमी देखने को मिलेगी। तो रियर कैमरा का परफॉर्मेंस काइंड ऑफ अ सिमिलर है, सेल्फी कैमरा में डिफरेंस है। बाकी अगर आप वीडियोस बनाते हो तो बता दो, दोनों ही फोन से आप 1080p 30fps में ही मैक्सिमम वीडियो शूट कर पाओगे। रियर से मैंने वीडियोस लिए हैं, स्टेबलाइजेशन के मामले में वैसे तो मुझे दोनों ही इतने अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन रेडमी ने काफ़ी ज़्यादा जिटर शो करे हैं वीडियो बनाते वक्त, तो कुछ इस तरह का फुटेज है। फ्रंट से अगर आप वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ मोटो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। रेडमी ने इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन लगा के दिया हुआ है जिसकी वजह से फ्रेम काफ़ी ज़्यादा जूम्ड हो जाता है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर स्टेबलाइजेशन को ऑफ करने का, मोटो में है वो, तो आपके फुटेज जो है वो फ्रंट कैमरा की मोटो से ज़्यादा बेटर निकल के आएगी क्वालिटी के हिसाब से भी। रेडमी ने काफ़ी जूम कर लिया है तो चेहरे पे से डिटेल्स वगैरह काफ़ी फेड आउट हो चुकी है यहाँ पर। तो ओवरऑल ही मैं बोलूँगी कि कैमराज के मामले में मुझे मोटो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है रेडमी के कंपेरिजन में। नेक्स्ट, इसके अलावा तो अगर बात की जाए दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो आई डोंट थिंक सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का सच पॉइंट होने वाला है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर दिया हुआ है, क्वालकम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट, LPDDR4X रैम है। रेडमी में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, मोटो में UMCP स्टोरेज टाइप दे रखा है जो कि काइंड ऑफ आपको सिमिलर स्पीड ला के देगा। यहाँ पर देखो, मैंने दोनों ही फ़ोन में ना CPU थ्रॉटलिंग भी करके देखा, दोनों मतलब चिपसेट थोड़ा बहुत थ्रॉटल करते हैं, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में थ्रॉटलिंग मुझे देखने को मिली है, लेकिन अगर आप स्कोर्स देखोगे इस थ्रॉटलिंग टेस्ट में तो मोटो के स्कोर्स ज़्यादा बेटर यहाँ पर निकल के आए। लेकिन जब मैंने दोनों ही फ़ोन के अंदर वीडियो रेंडर करके देखा तो रेडमी ने वीडियो को फास्ट रेंडर कर दिया मोटो के कंपेरिजन में, तो एक जगह मोटो बेटर परफॉर्म कर रहा था, एक जगह रेडमी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था, तो किसी एक को चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। बट कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दोनों फ़ोन सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। छोटे मोटे गेमिंग अगर आपको करनी है सबवे सर्फ टाइप का, या फिर आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो दोनों फ़ोन आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन परफॉर्मेंस में ही एक जो अच्छा खासा डिफरेंस आपको पता लगेगा जब आप दोनों फ़ोन का UI एक्सपीरियंस करोगे, तो पहली चीज़ तो ये है, मोटो का स्मार्टफोन ऑलरेडी अपडेटेड है एंड्रॉयड 12 पर, और यहाँ पर MyUX UI दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉयड लाइक है। बाकी मोटो की कस्टमाइजेशंस है जो ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस फ़ोन के UI में। आपको ब्लॉटवेयर्स एज सच नहीं मिलेंगे अगर आप ढंग से फ़ोन सेटअप करते हो तो, अदरवाइज़ आप डेली हंट और आपको जोश जैसी एप्लीकेशन मिलेगी जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो ऑल दो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन ही मैं बोलूँगी। थिंक शील्ड की यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दे रखी है तो उस हिसाब से भी अच्छा है। रेडमी का क्या है ना, देखो MIUI है और एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, तो पहला तो ये हो गया कि एंड्रॉयड 12 का अपडेट इसमें अभी तक नहीं आया, फ़ोन को आए हुए थोड़ा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड, यहाँ पर बग्स नहीं है लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स हैं जिनको आप फिर भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन गेट ऐप्स और ये जो MI का सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन है यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो ओवरऑल पूरा फ़ोन मतलब वो नोटिफिकेशन से भर जाता है, तो वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग पार्ट लगता है इस फ़ोन का। बाकी अगर आपको MIUI से प्रॉब्लम नहीं है देन तो यार UI आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद आता है। मुझे अगर कोई पर्सनली पूछे कि मैं इन दोनों फ़ोन में से कौन सा चूज़ करूँगी UI एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो नो डाउट मैं एनी डे मोटो की तरफ जाऊँगी। बाकी जहाँ तक बात रही बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही फ़ोन 5000 mAh बैटरी 33W चार्जर के साथ आते हैं। दोनों फ़ोन को मैंने सेम टाइप पर चार्ज करने के लिए लगाया था और 75 to 80 मिनट्स का टाइम लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने में, एक आध मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि नेग्लिजिबल मैं मानूंगी यहाँ पर। और जो बैटरी ड्रेन भी मैंने नोटिस किया ना, आई मीन 3 से 4 बार CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, गेमिंग करके देखा सेम टाइम तक, और दोनों ही फ़ोन में वीडियो रेंडरिंग करके देखा, सेम टाइप से बैटरी ड्रेन हो रही थी यहाँ पर। तो आई गेस बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है दोनों ही फ़ोन में, और सिवाय इसके के मोटो में मतलब 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी थोड़ा स्लिम और लाइट बना दिया है। वैसे इन सब के अलावा तो देखो अनफॉर्चुनेटली दोनों फ़ोन मेरे पास सेम कलर में है, तो आई डोंट थिंक सो वीडियो से ये जस्टिफाई हो पाएगा कि दोनों फ़ोन में से कौन सा ज़्यादा बेटर है या फिर किसके इन हैंड फील ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब आप दोनों फ़ोन को साइड बाय साइड हाथ में होल्ड करके देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मोटो के इन हैंड फील वे बेटर है।
जब तक मेरे पास मोटो नहीं आया था ना, एक्चुअली में मुझे रेडमी भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये अच्छा खासा स्लिम है, 180 ग्राम इसका वेट है, तो ओवरऑल सही है मतलब फ़ोन। लेकिन मोटो 169 ग्राम का है, 7.9 mm की थिकनेस है, इसकी एजेस वगैरह और ओवरऑल जो फ़ोन का फॉर्म फैक्टर है, मतलब हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है ये स्मार्टफोन, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पर। ऑल्दो पीछे से जब आप फ़ोन को देखोगे तो ये तो टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में थोड़े स्मर्जेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पर। प्लस मोटो ने यहाँ पर बोला है ये PMMA प्लास्टिक है, जो कि नॉर्मल जो पॉलीकार्बोनेट होता है ना उससे ज़्यादा ड्यूरेबल बोला जाता है। अब ये एक्चुअली में कितना ड्यूरेबल है ये तो देखो लॉन्ग टर्म में ही समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बता दिया ये PMMA प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है। बाकी सिम स्लॉट भी मैं बता देती हूँ, मोटो में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है, रेडमी में यही एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप दो सिम कार्ड के साथ एक SD कार्ड भी डाल सकते हो। तो वैसे तो आई बिलीव अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे मैं कौन सा परचेज करूँगी तो मैं दो तीन चीज़ें कंसिडरेशन में रखूँगी। पहला तो 1000 का प्राइस डिफरेंस है, मोटो 14,500 का है, रेडमी 13,500 का है। ऑल्दो अभी फर्स्ट सेल में या फिर कुछ सेल तक शायद ये भी 13,500 का मिल जाएगा, लेकिन हाँ 1000 का प्राइस डिफरेंस तो है। सेकंड, मोटो का UI बेटर है, थोड़े से कैमरा ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं और ये PoLED डिस्प्ले के साथ आता है और ये स्लिम और लाइट वेट भी है, तो इन चीज़ों की वजह से मेरे अकॉर्डिंग मोटो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर फ़ोन लगा है। बाकी आप कौन सा चूज़ करने वाले हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। दोनों फ़ोन के मैं एक एक वीडियो कर चुकी हूँ, अगर आपको और भी ज़्यादा इंडिविजुअली जानना है तो वो देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।